ये कराची की मंडी है, यहाँ पर जिसका 1 करोड़ मांगते हैं ना, 1 करोड़ का बायर यहाँ पर आता है। मुकाबला चल रहा है, फलां सेठ आया 70 लाख का बच्चा बेचा, 80 लाख का खरीद लिया, 80 लाख का फिर मालिक ने खरीद लिया, 90 लाख का फिर किसी ने खरीद, वो बच्चा मंडी के अंदर ही है, वहां से मंडी खराब हो रही है। वो लोग पाकिस्तान की मंडियां खराब कर रहे हैं, हम लोग नहीं खराब कर रहे, तमाश भी नहीं वो लोग कर रहे हैं। आप सेठ है, कोई फलां ताजर है, कोई फलां ताजर है, आते हैं डालों से भी नहीं उतरते वो लोग, रेट वो लोग खराब करते हैं। जिसने 50 लाख मांगे, 50 लाख पकड़ा, ये बच्चा लिया, गाड़ी में लोड करवाया उसने और घर चला गया, बच्चा उसका पीछे पीछे पहुंच गया। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं खास व्यापारी जिनकी रेंज है 35 लाख, वो 35 लाख गाड़ी में ब्रीफकेस में रख के लेकर आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, इस टाइम मौजूद हूँ कराची में, गला मेरा आप लोगों के सामने, तबीयत आपके सामने, तबीयत ख़राब है। मैं कराची बड़े शौक के साथ आया था, एक मैं ये बात कर लूँगा, थोड़ा सा सुन लीजिएगा मुझे, कि जो कह रहे हैं कि यूट्यूबर्स का जो बैकआउट होना चाहिए, जितने भी क्रिएटर्स हैं कराची वाले, इस्लामाबाद वाले, हम यूट्यूबर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, आप लोग हमारी पूरा साल और वीडियोज़ भी देखते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं, दीगर जो प्रमोशनल वीडियो होते हैं वो देखते हैं। अगर मैं मंडी की बात करूं, कराची मंडी में से मौजूद हूं मैं, नादुन बाईपास, एशिया की बड़ी मंडी है। अभी मैं 5-7 लोगों से बात करके आ रहा हूं, वो वीडियोस भी आने वाली है, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बना रहा, मैं यहां से खाली हाथ समझे वापस जा रहा हूं, चंद वीडियोस 5-7-8 वीडियोस होंगी जो कि लग जाएंगी, उसके अंदर करोड़ वाला भी डिस्कस होगा, तो लाख वाला भी डिस्कस होगा, तो 50 लाख वाला भी डिस्कस होगा। बात ये करने लगूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि यार मंडी में जाके हम लोग मंडी ख़राब करें, मंडी ख़राब कौन कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये कराची की मंडी है, यहाँ पर जिसका 1 करोड़ मांगते हैं ना, 1 करोड़ का बायर यहाँ पर आता है, यहाँ पर 50 लाख जिसके मांगते हैं वहाँ पर 50 लाख का बायर आता है, और यहाँ पर बारगेन कर वो बच्चा 35 लाख का सेल हो जाता है। आपके पंजाब में पिंडी में 35 लाख का बच्चा सेल नहीं होता, बहुत कम सेल होता है। मैं मिड रेंज की बात करूँ, वैसे तो आपको फतजंगी बच्चे करोड़ रुपया मांगते हैं, 2 करोड़ भी मांगते हैं, होती वर्थ नहीं है, इन बच्चों की वर्थ है सेठ है, कोई फलां ताजर है, कोई फलां ताजर है, आते हैं डालों से भी नहीं उतरते वो लोग, रेट वो लोग ख़राब करते हैं। जिसने 50 लाख मांगे, 50 लाख पकड़ा, ये बच्चा लिया, गाड़ी में लोड करवाया उसने और घर चला गया, बच्चा उसका पीछे पीछे पहुंच गया। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं खास व्यापारी जिनकी रेंज है 35 लाख, वो 35 लाख गाड़ी में ब्रीफकेस में रख के लेकर आते हैं, हमने लाइव देखा है यहाँ पे जो बारगेन हुए सौदे, हमने देखे यहाँ पर 50 लाख का सौदा भी आज देखे। अभी आज से 5 मिनट पहले एक बच्चा 24 लाख का बिका है, उन्होंने कहा बच्चा डिस्क्लोज नहीं करना, वीडियो थोड़ी देर बाद आने वाली, 2 दिन तक आ जाएगी वीडियो, मैं वाकई पहुँचूंगा, वीडियो लगा दूँगा मैं आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर ऑफ कैमरा जितने लोग घूम रहे हैं, किसी की रेंज है 2.5 लाख, किसी की रेंज है 4 लाख, किसी की रेंज है 2 लाख, किसी की रेंज है मैक्सिमम 10 लाख, लेकिन वो बच्चा ढूंढ रहे हैं कौन सा, क्या 1 करोड़ वाला बच्चा कहाँ खड़ा हुआ है, 2.5 करोड़ वाला बच्चा कहाँ खड़ा हुआ है, कौन से सेठ के पास है, कौन से कैटर फार्म के पास है, वो लोग देखना चाहते हैं, कराची वाला शौक करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी सोसाइटी है, मंडी है, जहाँ पर मंडी में बैल शैल आते हैं, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर मुकाबला चल रहा है, फलां सेठ आया 70 लाख का बच्चा बेचा, 80 लाख का खरीद लिया, 80 लाख का फिर मालिक ने खरीद लिया, 90 लाख का फिर किसी ने खरीद, वो बच्चा मंडी के अंदर ही है, वहाँ से मंडी ख़राब हो रही है, वो लोग पाकिस्तान की मंडियाँ ख़राब कर रहे हैं, हम लोग नहीं खराब कर रहे, तमाश भी नहीं वो लोग कर रहे हैं। आप लोग व्यापारियों को अपना जो मतलब जो क्रिएटर जाके वीडियो बना रहे हैं मंडियाँ ख़राब कर रहे हैं, यहाँ पर हमने आके हाल देखा है, लोगों का रो रहे हैं पर्दे के अंदर मुँह दे के हमारा माल बिक नहीं रहा, और जो एंड यूज़र है जो कि 35 लाख का भी खरीदना चाह रहे हैं वो भी रो रहा है कि मुझे 35 लाख का वो बच्चा चाहिए जिसकी वर्थ कम से कम 1 करोड़ रुपये की है। तो ये कराची है, बड़ा शहर है, बड़े ताजर है, अल्लाह ताला इनको नवाजा है, ये लोग खरीदते हैं भजन, जेन्युइन बात है, ये लोग 50 लाख का बच्चा खरीदते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे चाहिए 4 लाख का, तो मैं 4 लाख का ले लूँगा। हैं मंडी में बच्चे 1 लाख रुपए वाले भी, 2 लाख वाले भी, 4 लाख वाले भी मिलेंगे आपको, लेकिन मेरा शौक है कि यार मैं कुर्बानी का हुसन देखूँ, जाके देखूँगा यार फलां सेठ साहब का, फलां जितना बड़ा जिसका 60 मन वज़न कह रहे हैं, 40 मन वज़न कह रहे हैं, 1 करोड़ मांग रहे, वो है कैसा, देखने के लिए आते हैं जब शौक गया तक। जो खरीदने वाला है वो गाड़ी से नीचे नहीं उतरता भाई, वो आता है पैसे देता है, कहता है माल मेरे डेरे पे पहुंचा दो, माल मेरे फार्म हाउस पे पहुंचा दो। तो ये बात है, आपने अगर आपने हमारा जो बायकॉट करना है आप 1000 बार करें। मैं इस्लामाबाद से कराची आया, यहाँ से महज 8 से 10 वीडियोज़ लेके जा रहा हूँ, बाकी हमने खाया पिया है, कराची को इन्जॉय किया है, दुआएँ की हैं, अपने अपने रिश्तेदारों से मिले, दोस्त यारों से मिले, अपने फैन से मिले, और मैं यहाँ से खुश होकर जा रहा हूँ, लेकिन मंडी सीज़न को इन्जॉय करके नहीं मैं जा रहा कराची से, मंडी सीज़न को मैं इंजॉय करके यहाँ से नहीं जा रहा, बिल्कुल नाराज़ होकर जा रहा हूँ, और एक पॉजिटिविटी लेके नहीं जा रहा, नेगेटिविटी लेके जा रहा हूँ कि लोगों ने इस चीज़ को ख़राब कर दिया, बेहूदगी बना दिया, तमाशबीनी बना दिया, जो कि कुर्बानी का हुसन नहीं है, कुर्बानी का सुन्नत तरीका है, इसको इंजॉय करें, अल्लाह की राह में अपना हलाल पैसा करें, ब्लैक को वाइट और वाइट को ब्लैक अगर कोई कर रहा है तो उसका नसीब है, उसका तरीका है, दिखाने वाले उसको दिखा रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा ये चीज़ें ना दिखाऊँ, इसीलिए मैं मुख्तसर सी वीडियोज़ बना के जा रहा हूँ, यकीनन आप लोगों को पसंद आएंगे, आप सपोर्ट करेंगे, और इस वीडियो से यकीनन आप लोग फैसला करेंगे कि मंडी ख़राब कौन कर रहा है, मैं ख़राब कर रहा हूँ या वो सेठ ख़राब कर रहा है जो 1 करोड़ मांगने पर 1 करोड़ दे रहा है, या मतलब या महज
तो भी ड्रामा है वीडियो के सामने कि एक करोड़ मांगा, फिर मैंने एक करोड़ दे दिया, फिर वो एक करोड़ दस लाख का वापस आ गया, फिर एक करोड़ बीस लाख का वापस चला गया। तो ये सब होता रहता है, ये चलता रहता है, पंजाब में भी होता है, KPK में भी होता है, कराची में भी हो रहा है। तो सपोर्ट करें, मिलते हैं वाकेंड जाके, अल्लाह हाफिज़।